नमस्कार। न्यूज डाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। ग्राम पंचायत कनरापुरी के तहत आने वाले ग्राम चूल्हा पथरा में 13, 14 व 15 जनवरी को जनपद पंचायती रामायण प्रतियोगिता होगी। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रभात दुबे अध्यक्ष जनपद पंचायत गरुड़ थे। विशेष अतिथि ललिता पीमन साहू सभापति जिला पंचायत बारोद, केदार देवांगन सभापति जिला पंचायत बारोद, मीना सत्येंद्र साहू सभापति जिला पंचायत बारोद समस्त सभापति, जनपद सदस्य जनपद पंचायत गरुड़ जी आल कुल्हारा सेवानिवृत्त तहसीलदार उभय राम सिन्हा, ग्रामीण अध्यक्ष चूल्हा पथरा सहित जनपद CEO राजेंद्र पड़ौती, सरपंच सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्य अतिथि प्रभात ध्रुवे ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जनपद जिला स्तर के साथ राज्य स्तर पर भी रामायण प्रतियोगिता कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह समझा है कि हर आदमी को धर्म के प्रति लगाव होना जरूरी है, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं। समाज में रहने के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना है, यह रामायण में सीखने को मिलता है। अध्यात्म से जुड़कर ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कैसे जीवन यापन करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या से दूर होकर ही साधु संत आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को सीधा संपर्क आत्मा परमात्मा ईश्वर से रहता है। पर एक आदमी आम आदमी सुख की तलाश में भटकते रहते हैं। वहीं आपको बता दें, गृहस्थ से जुड़े लोगों को रामायण से उन्होंने कहा कि जोड़ना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम से श्री राम भगवान के जीवन दर्शन को सुनने का सौभाग्य मिलता है। राम, लक्ष्मण, भरत के जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहीं आयोजन के विशेष अतिथि मीना सत्येंद्र साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देती हूं, जो इस तरह से रामायण का आयोजन करवा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, समापन समारोह 15 जनवरी को है, जहां मुख्य अतिथि संगीता सिन्हा, विधायक संजारी बालोद, सदस्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल होंगे। अध्यक्षता तोषण साहू उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर करेंगे। विशेष अतिथि तामेश्वर साहू अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर, समस्त सभापति जनपद सदस्य जनपद पंचायत गुरूर, RD साहू सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, RD कुल्हारा सेवानिवृत्त खाद्य विभाग करेंगे। मानव धर्म के हैं तभी गुरु घासीदास बाबा द्वारा कहे गए, मनखे मनखे एक समान, माना मानव एक समान। तो हम सभी का धर्म एक ही है, और हम रामायण के माध्यम से बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। तो ये जो मनुष्य रूप बहुत भाग्य से हमला मिले, तो एकर कैसे उपयोग हमला करना है, बोला रामायण के माध्यम से हमला सीखे बर मिलते, सुने बर मिलते, पढ़े बर मिलते। हमर रामायण के माध्यम से हमला देखे बर मिले कि राजा के का कर्तव्य होना चाहिए, प्रजा के का कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी के का कर्तव्य होना चाहिए, पिता के का कर्तव्य होना चाहिए, पुत्र के का कर्तव्य होना चाहिए, भाई के का कर्तव्य होना चाहिए, और मित्र के साथ हमर व्यवहार कैसे होना चाहिए। इला रामायण के माध्यम से हमला बहुत अच्छा से देखे के हमला अवसर प्रदान होते। आप मल्ला में बताना चाहता हूँ कि मित्रता के जो रामायण में उदाहरण हमला देखे ला मिलते, भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से जब वापस आते, तब होकर जब राजगद्दी होना रहते, तो भरत जी भगवान राम से पूछते कि कौन ला चीफ गेस्ट बनाना चाहिए। तो भगवान राम कहते कि देख लो, कोई मिला बना दो, काबर की मैं तो 14 साल तक वनवास में रहो, कौन ला बनाना है वो मुझे समझ नहीं आते। तो भरत जी कहते कि हनुमान जी है, सुग्री जीव है, ये ला बना दे का आप मन के साथ आ है। तो कहते बिल्कुल बना दिए जाए। परंतु जब रात में भगवान राम ला जब सो रहे थे, तो अचानक एक समझ आते कि चीफ गेस्ट ओला बनाना चाहिए, जे निषाद राज जो मुला मिले रही। तो सीधा ही भरत के पास जाते कि मोर पा मोर से भूल हो चुके रही, तो आपका चीफ गेस्ट कल के राज गद्दी के जो होई अभिषेक होई ते का चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि हमला निषाद राज ला बनाना है।
तो ये बात बताए के मतलब मोर ये है कि भगवान राम स्वयं रामायण के माध्यम से जो मित्रता के संदेश दे, जो चीफ गेस्ट बनाए गए निषाद राज, तो चीफ गेस्ट बनाए के बाद निषाद राज जब मध्य में बोले जाते अतिथि बनाए रहते, तब जब चीफ गेस्ट मंगा उपहार दे के बात आते, तो भगवान राम जी कहते कि भैया मोर पास तो कुछ नहीं है। आज हमारे जो छत्तीसगढ़ के सरकार है, ये सरकारी रामायण सरकारी करे ना, तो गांव-गांव ना सुने मिला था, पहले नहीं जाना थे। अभी भी जो गांव में रहते हो हरदा में, वहाँ भी अभी भी रामायण नहीं हुई। आप मैं बता देते, वहाँ बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए लेकिन रामायण धन नहीं हुई। भागवत हुई, हर साल हुई भागवत, लेकिन रामायण धन नहीं हुई। तो आज हम देखे और सुने ला मिला था कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के सरकार है, आज रामायण गांव स्तरी करा के आज ब्लॉक में करा थे, जे में आपके गांव ला पिछले बार भी आपकी की पंचायत ला चयनित करे रही से कन्हैया टोली, और अभी चूल्हा पत्थर ला। तो आप मतलब बधाई हो, आप मतलब बढ़िया भगवान राम के तीन दिन ले गाथा सुने ला मिली, जे में आप मतलब बहुत सुंदर सुंदर गाथा सुने ला मिली, चाहे परिवार के बात हो, जे में देरानी जेठानी कैसे रहते। अभी तो हम देखता कागरों का थोड़ा से भी बात हो जाए देरानी जेठानी झगड़ा हो जाते, लेकिन हमला रामायण के ना सुन के हमला अनुसरण भी करना है कि देरानी जेठानी कैसे बहनी बहनी टाइप में रहते, सास के प्रति कैसे रहते, भाई भाई के प्रति कैसे समर्पित रहते, ये सब हमला भगवान राम के गाथा में सुने ला मिली। आप मन के बीच में तो तीन दिन ले हमार महान ज्ञानी मन है ज्ञान के बात ला पुरस के जही, अरे जिन हम हर प्रकार की चीज ला आगे बढ़ाए के प्रयास करा थे, चाहे हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा रही सोहरा आज उजागर करा थे, हमार युवा साथी मन भी आज प्रेरित करा थे, वो मन भी आगे बढ़ाए के प्रयास करा थे। आज हमार रामायण के जो हमार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रामायण होते आज बहुत आगे बढ़ाने के प्रयास करा थी। तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के सरकार ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं कही गए, आप सब जगह जो हमने यहाँ बुलाया सम्मान दे ओकरो लिए आप सब जगह बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में खुशी की बात है कि जनपद स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत कन्हापुर में चूल्हा पत्थर गाँव में चुना गया है, जिसमे आप सभी को इन त्रिदिवसीय रामायण कार्यक्रम का आयोजन जो हो रहा है सम्मेलन, उसमें सुंदर ढंग से आपको भगवान श्री राम का चित्र का रसपान करने का आनंद मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, आप सभी को उसके कर कमलों से आशीर्वाद मिलेगा, एवं आप सभी अपने जीवन में उस चीज को उतारने के प्रयास करेंगे, क्योंकि मन मरा शरीर न मरा, मर मर गए शरीर, मन से जीते जीत कहे गए रहे रघुवीर, क्योंकि अपने मन में ध्यान लगाकर अगर इस चरित्र को सुनेंगे तो हमेशा के लिए ये मांग चले कि भवसागर पार करेंगे, और भवसागर पार करने के लिए ही जनपद स्तरीय मुख्यमंत्री की योजना के हिसाब से आपको यहाँ पर त्रिदिवसीय रामायण का सम्मेलन का आपको सुरस्पान करने मिलेगा, और हमारे भक्तगण आगे कार्यक्रम भी है, मैं जा नमन करता हूँ, बोलिए जय श्री राम। भय भी न हो न प्रीत, ये हमने रामायण के माध्यम से देखे ला मिलते। अभी हमन यहाँ आ रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री सम्मानित भूपेश बघेल के द्वारा जो गांव के संस्कृति है, जो लुप्त होत्री से गांव के संस्कृति है, बोला रामायण के माध्यम से आगे लाए के प्रयास किए जा रहा, एक जन पंचायत स्तर पे, जोन स्तर पे और जनपद स्तर पे एक कार्यक्रम ला बहुत विस्तृत रूप से करवा के एक जनता में संदेश दे के प्रयास हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। ओकल में बहुत बहुत मंच के माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री जिला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत, और भय भी न हो न प्रीत। तो अभी हमन हमार जनपद पंचायत के सीओला भय दिखाए के प्रयास करत रहे, काबर की ये कार्यक्रम ये शासन के कार्यक्रम है, और जनपद के द्वारा
ये कार्यक्रम में कहीं ना कहीं कोताही बढ़ते जात रही थी। हमन जनप्रतिनिधि मन के एक कर्तव्य है, हम अपन कर्तव्य के निर्वहन करत रहे। अगर ये सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम लक्ष्य से किए जाते तो मैं आप कोताही कावर बढ़ता, आपको अच्छा से ये मैं ध्यान कावर नहीं देते, ये हमार कहना रही से। तो हमला भी जो भगवान राम संदेश दे रामायण के माध्यम से, भय भी न हो न प्रीत, तो भय दिखाना प्रशासन भी बहुत जरूरी है। आप मतलब जरूर हमार मन के बर्ताव से कुछ अच्छा नहीं लगत रही सोई, परंतु अलग बात है, परंतु हमार भी कर्तव्य है, हम अपन कर्तव्य के पालन न करत रहे। अगर ये रामायण अगर अच्छा से हो, हमार ब्लॉक से अगर अच्छा, मान भूपेश बघेल जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने पूरे प्रदेश में ये जनपद स्तरीय रामायण कराने का आयोजन किया है और उन्होंने ये समझा है और ये जाना है कि हर आदमी को धर्म के प्रति लगाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक आदमी है और समाज में रहने के लिए हमको अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। हमें अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से उनको लालन पालन देना है, किस प्रकार से उनको संस्कार देना है और किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ समाज में रहते हुए अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिताओं का भी सम्मान और आदर करना है और समाज में भी हमको रहना है। तो हम लोग तो सामाजिक आदमी हैं और हम लोगों को इसके लिए अध्यात्म से ही जुड़ करके हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से हमें रहना है। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे साधु संत लोग हैं जिन्होंने अपना जो समाज में काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ करके अपने तपस्या में लीन हुए हैं या कहीं जा करके वो एकांत में रहते हैं। उन्हें परिवार से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, उनको सीधा संबंध अपने परमात्मा से रहता है, अपने ईश्वर से रहता है, चाहे वो किसी भी समाज में हो। चाहे हमको देखने को मिलता है कि मुसलमान समाज में भी बाबा और फकीर है जो अकेले निकल गए हैं, क्रिश्चियन समाज में भी जो है पादरी बनकर अपना जीवन जी रहे हैं और हमारे यहाँ भी खूब हिंदू समाज में साधु संत लोग हैं जिन्होंने परिवार से मोह भंग करके केवल ऊपर वाले परमात्मा से अपना नाता जोड़ा है और इसलिए वो अपने आप को सुखी मानते हैं। और आप लोग भी सुख की तलाश में भटक रहे हैं कि हमें भी कहीं दो पल का सुख मिल जाए और हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। इसलिए रामायण जैसे कार्यक्रम, रामायण जिस प्रकार से धार्मिक आयोजन हो रहा है जहाँ पर हमें श्री राम भगवान जी के जीवन दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के कथा को सुनने का एक सौभाग्य और एक अवसर हमको मिल रहा है और जितनी भी यहाँ मंडलियाँ आती हैं अलग अलग प्रकार से उनके कथाओं का वर्णन करते हैं और हमें कई प्रकार से अनुभव सीखने को यहाँ मिलता है। चाहे हम श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को लें या भाई भाई की बात करें तो श्री लक्ष्मण जी और भरत जी जैसे भाई जो उन्होंने मिला और अपने भाई का धर्म निभाया है और साथ ही रावण के अहंकार को भी हमें देखने को मिला कि किस प्रकार उनके पास सोने की लंका थी और इतनी बड़ी शक्ति थी ताकि वो उसमें घमंड में हमें चूर रहते थे और वो कहते थे भगवान को नहीं मानता हूँ। लेकिन इस समय लास्ट में अंत में ऐसा भी आया जब उन्हें आखिरी में श्री रामचंद्र। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।